अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे और घर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैं सेटअप के ऊपर आ चुके हैं। हमने सेटअप की सारी हमने सफाई मार ली है और जुम्बो को भी खाना डाल दिया, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज जैसे ही मैं सेटअप के ऊपर आया तो हमारी छत जो है बहुत ही ज़्यादा गंदी हुई थी, जिसकी वजह से हमारे जुम्बो ने जो है बहुत ज़्यादा ही गंदगी फैलाई हुई थी सेटअप के ऊपर। और मुझे सफाई करते करते तो आज बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि रात को औस भी आपको पता पड़ती है तो छत पूरी की पूरी गीली हो रही थी और पूरी कीचड़ बनी हुई थी। तो अभी जो है मैंने क्या किया, सफाई मारने के बाद जो थोड़ी रेती डाल के उसको जो है पाँव से जो है रगड़ाई मारी है, ताकि हमारी जो छत है थोड़ी सूखी भी लगी, वरना तो दोस्तों इतनी गीली हो रही थी कि मतलब कि ब्लॉग बनाने का ही मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो दोस्तों अभी जो है सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करे हैं छोटे मोटे। तो दोस्तों अभी आप ये देख सकते हैं हमारे हमने अपना पिजन का पेयर भी खोल दिया है और हमारा पिजन जो है यहाँ पर घूम रहा है, और हमने कुछ अपने जो है चूजे भी खोले, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर हमारे चैनल पर नए तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो आइए ब्लॉग पे यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपनी जो है ब्रीडिंग प्रोग्रेस देख लेते हैं। दोस्तों ये भी बहुत चैलेंजिंग है, रोज रोज कौन सी ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाई जाए आप लोगों को। तो दोस्तों आज चलते हैं इस वाले केज के अंदर, जो कि हमारे इंशाल्लाह जो है यहाँ पर न्यू चिक्स निकले होंगे। तो दोस्तों मैंने मटकी के अंदर जो है अपना हाथ डाल लिया और चेक करते हैं कि हमारे जो है चिक्स निकले हुए कि नहीं। माशाल्लाह दोस्तों हमारे जो है यहाँ पे लुटिनों के कुछ चिक्स निकले हुए हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों। माशाल्लाह से पूरा कॉमन लुटिनों का पेयर है, और माशाल्लाह दोस्तों इससे अभी दो से तीन दिन ही हुए हैं जो चिक्स इसके हैच होना स्टार्ट हुए थे। और माशाल्लाह दोस्तों मैंने इसकी पिछले टाइम मटकी तो साफ कर दी थी तीन चार दिन पहले, लेकिन अब जो है दोस्तों माशाल्लाह हमारे सारे चिक्स हैच हो चुके हैं। दोस्तों इस चीज़ का ख्याल बहुत किया करें, जब भी आपकी फीमेल जब अंडे दे, अंडे देने के बाद दोस्तों लाजमी उसकी मटकी जो है आप साफ किया करें, क्योंकि जो कि हमारी लुटिनों जो फीमेल्स होती हैं दोस्तों, ये नेस्टिंग बनाने के लिए हर चीज़ अंदर उठा के ले जाती है। जैसे कि हम लूसन डालते हैं तो दोस्तों ये लूसन को जो है फिर जब ये अंदर बैठ के नेस्टिंग करती है तो उसके बाद जो होता है लूसन पाउडर शेप फॉर्म में बन जाता है। तो जिसमें दोस्तों ये होता है कि अंडे जब फीमेल्स देती हैं तो अंडे जो होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते, अंडे जो है खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जब भी आपकी फीमेल सारी हैचिंग कर ले, एक हफ्ते बाद जो है दोस्तों आप लोग उसका कचरा सारा फेंक दिया करें, मटकी साफ करके फिर टाल दिया करें। और दोस्तों फिर बच्चे निकलने से तीन से चार दिन पहले आप लोग उसकी मट्टी वापस से साफ कर दिया करें, ताकि जो है जो भी अंदर जो है डस्ट हो कचरा वगैरह हो तो आप बाहर कर दें। दोस्तों ऐसा होता है बातों का, जब बच्चे निकल जाते हैं, बच्चे निकलने के बाद जो है बच्चे जो होते हैं कचरे के अंदर डूब जाते हैं, जैसा कि फिर फीमेल्स को नजर नहीं आता कि उसके बच्चे जो है निकले हुए हैं, तो वो उनको फीड नहीं करवा पाती, तो इसीलिए जो है बच्चे कुछ एक्सपायर हो जाते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने सेकंड ब्रीड की तरफ, जो कि हमारी इस वाली फीमेल ने इंशाल्लाह चिक्स निकाले होंगे, जैसा कि आप लोगों को भी हम दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों इसमें भी हमारे चिक्स की हैचिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी इसके सारे चिक्स दोस्तों सो रहे हैं, या तो इसने फीड करवा रही थी अपने बच्चों को। माशाल्लाह दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे चार बच्चे जो है निकले हुए और एक बच्चा जो है फील हैचिंग के करीब ही है। तो इंशाल्लाह दोस्तों वो भी अभी एक से दो दिन में हैच हो जाएगा, या तो मेरे ख्याल से एक आध दिन ही लगेगा, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे सारे बच्चे जो हैच हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह वो बच्चा भी बहुत जल्द हैच हो जाएगा। तो अब दोस्तों चलते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमने अपना बज्जी का जो पेयर था दोस्तों, जो कि कुछ नहीं कर रहा था, वापस से दोस्तों हमने उसको उठाया और उसकी जगह चेंज कर दी। दोस्तों वो अभी तक अंडों पर नहीं आया था, तो उसकी जगह पे दोस्तों आपको पता है कि वो बहुत ही ज्यादा पेयर जो है टाइम वेस्ट कर रहा था, तो यहाँ पे हमारा पेयर जो है एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ पे अल्बिनो रेड आई का पेयर डला हुआ है, तो उससे दोस्तों वो बहुत ज्यादा डरता था। तो इसी वजह से दोस्तों मैंने उसको पेयर को उठा के उधर डब के साथ ही शिफ्ट कर दिया, और हमने अपना यहाँ पे एक हमारा पट्टों से तैयार हुआ हुआ दोस्तों जोड़ा है ये। माशाल्लाह दोस्तों अब ये बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने इसको देखा था तो ये क्रॉस के करीब आ गया था, तो इसी वजह से मैंने इसको पेयर को उठा के इस वाले केज में शिफ्ट किया, क्योंकि मेरे पास जगह भी नहीं थी। तो हमारा पेयर दोस्तों ये बॉन्ड और था, ये वहां पर पट्टों वाली जगह पे दोस्तों डले हुए थे, जो कि हमारे पेयर यहाँ पे तैयार हुए थे। तो अब ये ब्रीडिंग के करीब आ गया, तो इसलिए मैंने इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया। और दोस्तों अपना बज्जी का पेयर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोस्तों बज्जी की फीमेल जो है ये बैठी हुई, और हमारा बज्जी का मेल भी दोस्तों ऊपर ही बैठा हुआ, वो देखें दोस्तों सामने आपको नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों अभी दोनों पीस जो है हमारे मोल्ड के ऊपर है परझाड़ में, तो अभी जो है इनका ब्रीडिंग करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टाइम लेंगे। और मैंने मच्छी दोस्तों फिर यहीं पे टांगी है इनकी हैंग की लिए, ताकि जो है यहाँ पे जब भी इनका ब्रीडिंग मूड हो तो ब्रीड कर दें। और दोस्तों माशाल्लाह देख सकते हैं हमारा डब का जो है एक बच्चा जो है नीचे आगे बैठ गया, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह अभी छोटा बच्चा है, 12 के ऊपर आ गया होगा दोस्तों, ये रेड डब का बच्चा है माशाल्लाह से, आप लोग देख सकते हैं क्वालिटी साइज वगैरह हर चीज। दोस्तों ब्रीडिंग सीजन तो नहीं है, लेकिन ये लेकिन फिर भी माशाला से हमारी डब ने जो है बच्चा निकाला। अब दोस्तों ये हमारी इंशाल्लाह डब जो है वापस से एक्सप्लेन करेंगी और हमारे सारे बच्चे हैच करके निकालेंगी।
दोस्तों अब चूंकि गर्मी आ रही है, मौसम जो है बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, धूप बहुत ज्यादा आ रही है। देखें दोस्तों ये डब जो होती है ये ब्रीड ही धूप के अंदर करती है, ये धूप नहीं मिले दोस्तों ये ब्रीडिंग इनकी प्रोसेस जो होता है दोस्तों वो बिल्कुल भी अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकती। दोस्तों धूप जो होती है डब को बहुत जरूरी होती है, धूप जब तक नहीं होगी डब जो है ब्रीड आपकी नहीं करेगी। तो कोशिश क्या करें दोस्तों, धूप जहाँ पे आप डब को अपना पेयर रखें वहाँ पर धूप जो है लाजमी आती है, ताकि जो है आपकी डब जो है ब्रीडिंग करती रहे। तो अब दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूंगी, हमने क्या आपने सेटअप पे चेंजिंग करी है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पर जो थे हमारे लुटिनो कॉमन लुटिनो डले हुए थे, तो अब दोस्तों ये सारे पीस जो है माशाल्लाह दोस्तों हमारे मुडेशन वाले जैसा कि आपको पता है नजर आ रहा होगा दोस्तों, ये लुटिनो पसनाटा ब्लैक आई है लेकिन ये फुल रेडी टू ब्रीड है, मेल है। दोस्तों ये हमारा वायलेट का पीस है, दोस्तों इसके अंदर हमारा जो है एल्बिनो रेड आई का पीस है जो कि फुल एडल्ट हो चुके हैं माशाल्लाह से। और दोस्तों ये पीछे जो आपको व्हाइट वाइट नजर आ रहे होंगे ये माशाल्लाह से हमारे पेस्टेलिनो के कुछ बच्चे थे जो कि तैयार हो चुके हैं। दोस्तों अभी तक इन्होंने जो है अपने पार्टनर चूज नहीं किए, इसी वजह से दोस्तों मैंने इन सबको जो है उठा के एक ही केज के अंदर डाल दिया ताकि जो है ये अपने पार्टनर चूज कर लें और अब ब्रीडिंग मूड की तरफ आए, ताकि दोस्तों हमें इस सीजन में अल्लाह ने चाहा तो दोस्तों एक ब्रीड मिल जाए। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हैं साइज और क्वालिटी माशाल्लाह से, सारे पीस की जो है साइज और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। दोस्तों मैंने कल ही डाले हैं रात को, ताकि जो है दोस्तों क्योंकि मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं था इस वजह से जो है मैंने डालते हुए आपको नहीं दिखा सका, तो मैंने बोला आप लोग क्यों ना कल ही दिखाए जाए, तो मैं आपको कल आज जो है दिखा दूंगा। दोस्तों इधर जो हमारे तीन पीस डले हुए थे, एक पेयर लुटिनो का था और एक पीस था ग्रीन लवबर्ड का था जो कि एक्स्ट्रा था, तो दोस्तों उठा के मैंने जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करनी है। दोस्तों अगर इनको ब्रीड करनी होगी तो यहाँ पे ब्रीड करवा लेंगे इनसे। दोस्तों चूंकि इस जगह पे पीस बहुत ज्यादा है, जैसा कि इसके अंदर तीन पेयर तो दोस्तों सेट हुए हैं, बाकी पेयर जो है दोस्तों मेल हैं तकरीबन इसमें ज्यादा। तो अब हमें करना ये है कि दोस्तों तीन पेयर को छोड़ के हम बाकी सारे मेल निकालने की यहाँ से कोशिश कर लेंगे, मेल निकाल के दोस्तों हम इस वाले केज में शिफ्ट करेंगे जहाँ पे हमारे और भी ग्रीन लवबर्ड जो है तैयार हुए हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह यहाँ पे भी हमारे कुछ पेयर जो है सेटिंग में आए हुए, जैसा कि आपको ग्रीन लवबर्ड का दोस्तों पेयर नजर आ रहा होगा सामने, वो साथ मिलकर बैठे हैं, तो इसका मतलब है दोस्तों ये पेयर है और ये दोस्तों ऊपर भी बैठा हुआ ये भी पेयर है। दोस्तों इसके अंदर हमें ग्रीन लवबर्ड जो है सारे सोर्स पॉट सेल करने और बाकी जो है दोस्तों आपको फ्री में नजर आ रहे होंगे वो जो है दोस्तों हमारे अपने घर के सेटअप पे लगाएंगे, इंशाल्लाह ब्रीड के ऊपर लगाएंगे उनको। दोस्तों माशाल्लाह हमारे जो है क्रीमनो पट्टे जो है वो भी तैयार हो चुके हैं, वो भी फर्स्ट ब्रीड के लिए बिल्कुल रेडी हैं। दोस्तों जगह अभी हमारे पास है नहीं, जिसकी वजह से हमने उनको ब्रीडिंग प्रोग्रेस पे नहीं लगाया है, जैसी दोस्तों हमारे पास जगह अरेंज होगी या कोई ना कोई हम लोग जगह इंशाल्लाह निकालेंगे तो फिर इनको जो है ब्रीडिंग पे लगाएंगे, ताकि हमारे पास इनकी ब्रीड भी आना स्टार्ट हो। दोस्तों अभी फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई जगह भी अवेलेबल नहीं है जहाँ पे हम कुछ अपने बर्ड्स लगा सकें। दोस्तों यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा बर्ड ही डले हुए हैं जो कि मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए थे ऊपर से नीचे, दोस्तों क्योंकि ये एक एज के पट्टे हैं, ये सारे तैयार हुए हुए फर्स्ट ब्रीड के लिए रेडी हैं दोस्तों सारे। तो दोस्तों आप लोग भी दुआ करें कि इंशाल्लाह जो है जो अच्छा हो और हमारे सब हर बर्ड जो है ब्रीड के ऊपर आ जाए जल्द से जल्द। तो माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा क्रीमनो का पेयर डला हुआ है जो कि ये भी माशाल्लाह से फुल बॉन्डेड पेयर हो चुका है और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ब्रीड पे आ जाएगा। दोस्तों एक पेयर जो है मैंने क्रीमनो का यहाँ पे लगाया जो कि उधर ही केज से निकाल के मैंने लगाया था, तो माशाल्लाह दोस्तों ये वाला पेयर भी हमारा बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पेयर भी बहुत जल्द हमारा ब्रीड के ऊपर आएगा। तो दोस्तों ये कुछ चेंजेस मैंने की थी अपने सेटअप के ऊपर जो कि मेरे को आपको दिखाना जरूरी था, तो मैंने बोला क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो है एक फीमेल जो है कुड़ाकुई भी है जो कि हमने अपनी मुर्गी को बिठाना है अंडों के ऊपर। मैंने अंडे जो है वो अपने डाल दिए गमले के अंदर, तो इस वाली फीमेल हैं को जो दोस्तों अभी इसके एग्स पे बिठाते हैं। दोस्तों ये ढकना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कल ये हुआ कि हमारे इस वाले गमले में दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि आधे बच्चे जो हैं वो फर्टाइल हो चुके थे। दोस्तों हुआ कुछ ऐसे, मैं चला गया था दोस्तों आपके सामने ये ढक ढका के, लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि मुर्गी आई कोई, तो उसने जो है दोस्तों ये वाला ब्लॉक रखा हुआ था दोस्तों ऊपर, तो ये हल्का ब्लॉक है। तो जैसे ही दोस्तों वो मुर्गी आई वो कुछ ना कुछ दोस्तों ऐसा हुआ कि वो ब्लॉक जो है अंदर ही गिर गया, बजाय बाहर गिरने के वो गमले के अंदर गिर गया, जिससे दोस्तों हमारे तकरीबन 6 से 7 अंडे जो है बच्चों वाले जाया हो गए। तो दोस्तों इसका बहुत ही दुख हुआ मुझे। अब जो है दोस्तों वो दोनों अंडे जो थे दोस्तों वो जो 6 अंडे मेरे पास बचे थे बाकी के, तो वो मैंने इस वाली फीमेल हैन के नीचे रख दिए सारे अंडे, ताकि ये वाली मुर्गी ही उन बच्चों को जो है निकाल ले। दोस्तों ये बहुत ही गलत हुआ है हमारी, ये वाली दोस्तों मुर्गियाँ जो अब नई नई अंडे पे कुड़क हो रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ही हमारा नुकसान करी। हमारे 6 अंडों का दोस्तों उन्होंने लॉस किया, 12 अंडे थे उसके नीचे,
एक अंडा पहले ही टूट चुका था और 6 अंडे दोस्तों वो ब्लॉक गिरने की वजह से हमारे जाया हो गए। तो अब दोस्तों हमारी ये फीमेल हैं जो है इसको अंडा छोड़ देते हैं, ये भी अब अपनी अंडों पे बैठने के लिए रेडी है, तो इसको भी अंडों पे बिठाते हैं। तो दोस्तों इस फीमेल के अंडे थे वो वाले जो कि जाया हुए हैं। दोस्तों ये बेचारी तो अपनी जगह पे सही बैठी हुई थी, लेकिन जो है दूसरी हैन जो थी उसने जो है इसके साथ बहुत ही गलत किया, वो उसने ब्लॉक दोस्तों अंदर ही फेंक दिया, जिससे हमारे अंडों का बहुत ज़्यादा ही लॉस हो गया। तो अब दोस्तों मैं इसको ढक देता हूँ, अब इनको दोस्तों मेरे को प्रॉपर ढकना पड़ेगा और उसके ऊपर जो है ब्लॉक रखना पड़ेगा टाइट करके, ताकि आगे से हमारा जो है कोई अंडों का लॉस ना हो। दोस्तों इसके आगे हम ये वाला छोटा गमला लगा देते हैं, ताकि जो है अगर गमले को भी गिरना होगा दोस्तों वो गिरेगा नहीं, इस गमले की सपोर्ट मिल जाएगी और ये टाइट रहेगा। अब दोस्तों एक ब्लॉक मुझे और निकालना पड़ेगा, जैसा कि इस वाली हैन को दोस्तों मैंने जो है 5 अंडों पर बिठाया है, तो इंशाल्लाह दोस्तों अंडे जब हमारे पास और जमा होंगे तो इंशाल्लाह और किसी हैन को बिठाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास 5 अंडों से ज़्यादा थे नहीं, तो मैंने 5 अंडों पर ही अपनी इस वाली हैन को बिठा दिया है। दोस्तों अगर इसको नहीं बिठाता तो ये बहुत ज़्यादा ही गंद कर रही थी, हर किसी को आके मारती थी और दूसरी फीमेल को बहुत ही डिस्टर्ब करती थी। मुझे तो लगता है दोस्तों इसी ने ही हमारे अंडे ज़ाया किए हैं, तो अब क्या कह सकते हैं दोस्तों, बेजुबान है, इनको भी कुछ हम कह नहीं सकते। दोस्तों माशाल्लाह हमारे पिजन से ये घूम रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों अब जाके थोड़ी सी छत जो है सूखना स्टार्ट हुई है और साफ होना स्टार्ट हुई है, तो इंशाल्लाह दोस्तों छत भी हमारी सूख जाएगी, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन दोस्तों माशाल्लाह से हमारे सेटअप पे जो दुम्बे हैं जितना ये खाते हैं उतना ही ये निकालते हैं और छत को गंदा करते हैं। तो अब दोस्तों मैं जो है लूसन लेकर आ जाता हूँ अपने सेटअप पे, क्योंकि आपको पता है काफ़ी दिन हो गए हमने लूसन नहीं डाला, तो मैं जाता हूँ और लूसन को लेकर आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों लूसन जो है मैं लेकर आ गया हूँ। दोस्तों काफ़ी दिन हो गए थे लूसन नहीं डाला था मैं सेटअप के ऊपर, तो मैंने बोला आज जो है छुट्टी का दिन है तो आज जो है लूसन डालेंगे इंशाल्लाह आज अपने सेटअप के ऊपर। तो दोस्तों अभी मैं जो है अपने सेटअप पे लूसन डाल लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने अपने सारे सेटअप पे लूसन भी डाल दिया और सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल मिले तो शेयर में जाते लाइक लाजमी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ एक नई टॉपिक, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।